ये उषा जेनेमिक मशीन है, इसमें 30 फ्यूचर्स हैं। आपको पिकोट हो सकती है या स्ट्रेट स्टिचिंग एंड ऑल ओवरलॉक, ये सभी जैसो उसी के हैं। ये आपको कौन सा होना है आप वो कर सकते हैं। ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा तो थर्ड जो नंबर रहेगा उस पर आपको क्लियरिटी अच्छे से आएगी। ए बी सी सिर्फ एक यूज़ करना है आपको। अभी हम आपको ये अंदर के जो पार्ट्स हैं पार्ट्स के बारे में बताएंगे। इस तरह से ये जो पार्ट्स हैं पार्ट्स में आप ऑयलिंग कर सकते हैं। फर्स्ट इसको इस तरह से अच्छे से साफ कर लें। ये साफ हो गए, अभी सभी पार्ट्स को साफ कर लें। ऑयल आएगा, मशीन ऑयल आएगा तो मशीन ऑयल यूज़ करना है इसे। कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन मशीन ऑयल यूज़ करने से और अच्छे से आप मशीन चलेगी। फर्स्ट आप इसे लगाएं इस तरह से, ये जो है सेट कर लें उसे, इस तरह से सेट कर लें। बैठ गया, अभी इसे पकड़ करके ये जो पार्ट है ये पार्ट को भी आप ऊपर की ओर रखें इस तरह से। इस तरह से बिठाएं। इस तरह से बिठा करके आप ये जो ब्लैक बटन है दोनों बटन्स को ऑन कर दें, इसमें क्लिप्स में फिक्स कर दें। अभी ये बैठ चुका है, अभी देख लें ये हिल रहा है, दोनों साइड इसकी रनिंग हो रही है। ये बॉबिन है, ये केस है, ये केस और ये बॉबिन को इस तरह से ले लें, इस तरह से रख करके। ये जो धागा है यहाँ से आना है, यहाँ आपको यहाँ से इस तरह से आकर आने के बाद इसे खींचें। टाइट पोजीशन है या नहीं है देखें, लूज़ अगर रहा तो आपको स्टिचिंग नहीं आएगी, टाइट रहना है आपको। अगर कभी अगर लूज़ होगा ये पट्टी जो है, ये पट्टी अगर लूज़ होगी तो ये थोड़ा से स्क्रू को टाइट कर लेना है आपको। अभी बिठा लें इस तरह से, ये बैठ चुका है। ये बॉक्स है इसका, इसको भी इस तरह से बिठा लें, इस तरह से बैठ चुका। ये स्ट्रेट स्टिचिंग का फुट है, सेटअप फुट। इसे पीछे से लें, इस तरह से ले करके इस तरह से बिठाएं। थोड़ा सुई को ऊपर की ओर करें, सामने आएगा इस तरह से। ये जो दिख रही है आपको, ये हिस्सा जो है जाकर उसमें बैठना है आपके क्लिप में इस तरह से। इस तरह से बैठ जाएगा, अभी बैठ चुका है ये, अभी ये चलने लगेगी इस तरह से। अभी नेक्स्ट फुट आपको पाइपिंग फुट किस तरह से बिठाने का तरीका है वो भी बताएंगे। आहिस्ता से करें, ये पाइपिंग फुट है, डोरी पाइपिंग फुट। इस वन साइड इस तरह से लें, ये जो क्लिप दिख रहा है क्लिप में जाकर के बैठना है इस तरह से। बैठ चुका है, क्लिप बाहर की ओर आना है वो अंदर की ओर। अभी देखें, ये देखें
बैठ चुका है इस तरह से। अब ये चलने लगेगी, ये देखिए दोनों फुट बैठ चुके हैं। अभी हम इससे निकाल करके आपको पाइपिंग का तरीका बताएंगे। ये फुट पाइपिंग के लिए है, तो पाइपिंग यूज़ नहीं करना है हमको। अभी स्ट्रेट स्टिचिंग के लिए वही लगाएंगे। ये स्ट्रेट स्टिचिंग के लिए फुट है इस तरह से। चलिए बढ़ चुका है। चलिए ये बढ़ चुका है। इस तरह से धागा लें, यहाँ की ओर डालें, फिर ये पॉइंट में डालें, फिर यहाँ से इस तरह से आकर के इसे ऊपर की ओर करें। ये इस तरह से आना है, फिर यही धागा इस तरह से जाएगा। यहाँ होल रहेगा, स्प्रिंग होल, उसमें आपको लेना है धागे को। इस तरह से ये स्ट्रेट रखना है आपको, सुई का जो धागा है स्ट्रेट रख करके इस तरह से डालना है। और सुई का जो धागे का होल रहेगा, होल भी सामने की ओर रहना है आपको, ना कि बैक साइड या फ्रंट साइड, दूसरे साइड नहीं आना है। इस तरह से डाल लें। स्ट्रेट डाल रहे हैं हम इस तरह से। ये आया आपका धागा। अभी हम बॉबिन का धागा निकालेंगे इस तरह से पकड़ कर, आप निकाल सकते हैं। अभी आ चुका है ये धागा, ये देखें बॉबिन का भी धागा आ चुका है। ये आ चुका है। इस तरह से आपको स्टिचिंग करना है। रफ क्लॉथ पर आप डाल करके स्टिच करके देखें इस तरह से। स्ट्रेट स्टिचिंग करें, इस तरह से आएगा। इस तरह से आपको किस ओर करना है उसी तरह से आप बारीक में भी ले सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं। ज़ीरो पर नहीं लाना है हमको, फोर्थ पॉइंट तक के यूज़ कर सकते हैं आप, सेकेंड थर्ड फोर्थ, ज़ीरो वन नहीं यूज़ करना है। ये जो है ए बी सी, सिर्फ ए पर यूज़ करना है आपको। थैंक यू।